हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 3.2 के एग्जांपल सॉल्व किए थे। आज भी हम 3.2 के एग्जांपल देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे एग्जांपल नंबर 5 का क्वेश्चन दिया है। इसमें है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। मीन्स यहाँ पे हमें क्या दिया है, तो हमें ऐसा दिया है कि 22 डिग्री जिसका इंटीरियर एंगल हो वैसा पॉलीगॉन पॉसिबल है, और रेगुलर पॉलीगॉन दिया है, रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है वो हमें यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ऑल पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ये तो आपको पता है कि इसमें जो भी कोई भी पॉलीगॉन हो इसमें इंटीरियर एंगल होता है वो सब इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। फिर है, आल्सो इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच इंटीरियर एंगल इज ऑफ द सेम मेजर। और जो भी इंटीरियर एंगल है उनके सारे इंटीरियर एंगल के जो मेजर है वो इक्वल होते हैं। और कैसे पॉलीगॉन में, रेगुलर पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल सब में इक्वल होते हैं। फिर है, हेंस इफ 360 डिग्री इज अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ अ गिवन इंटीरियर एंगल देन द गिवन पॉलीगॉन विल बी पॉसिबल। अब क्या लिखा है, यानी 360 डिग्री इज अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ द इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे जो भी एक्सटीरियर एंगल दिया है इनका परफेक्ट मल्टीपल होना चाहिए 360 के साथ, तो ही ये जो पॉलीगॉन है वो पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 22 दिया है, तो हम नंबर ऑफ साइड्स, अब हमें नंबर ऑफ साइड्स मिलती है तो ही वो पॉलीगॉन पॉसिबल है। अब नंबर ऑफ साइड्स नहीं मिलेगी तो वो पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे है, द नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना है, तो वो है 22। अब हमें 360 से ये 22 डिवाइड करना है, ये डिवाइड होता है तो ही हमें नंबर ऑफ साइड्स मिलेगी। अब डिवाइड नहीं होता है तो हमें नंबर ऑफ साइड्स नहीं मिलेगी, यानी ये जो पॉलीगॉन है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड होके आपको आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए ये जो है वो पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है 360 इज नॉट अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 22। ये जो 360 है वो परफेक्ट मल्टीपल नहीं है 22 का, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो देखो, हैंस सच पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। फिर है इंटीरियर एंगल, हमें बी में दिया है कि इंटीरियर एंगल 22 है, 22 हो तो ये पॉलीगॉन पॉसिबल है ऐसा हमें पूछा है। तो हमें इंटीरियर एंगल का कोई फॉर्मूला नहीं है नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम एक्सटीरियर एंगल पहले निकाल लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो वो होगा 180 माइनस 22, यानी 158। अब देखो, अब एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ गया। ये हमने कैसे किया, तो आप लोगों को पता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल वो दोनों है, वो है, वो पैर है, लीनियर पैर, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 22। इनका आंसर आता है 158। अब यहाँ पे द नंबर ऑफ साइड्स हमें मिलेगी तो ही वो पॉलीगॉन पॉसिबल है। तो द नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, 360 अपॉन 158। अब ये आप डिवाइड करोगे तो उनका आंसर नहीं मिलता है कुछ भी, इसीलिए हमें साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स नहीं मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, सच अ पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल एज 360 इज नॉट अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 158।
फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो देखो यहां पे लिखा है, क्या लिखा है तो देखो द सिक्स में है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है कि रेगुलर पॉलीगॉन में मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होता है, और नेक्स्ट है वो क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम क्या होता है वो यहाँ पे हमें दिया है। तो अब हम इसे सॉल्व करना है, तो ए में क्या है, हमें मिनिमम इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो क्या लिखा है, तो कंसीडर अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ साइड। कंसीडर अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ साइड, मतलब जो भी जो पॉलीगॉन है उसमें नंबर ऑफ साइड जो है वो हमें मिनिमम लेनी है, तो ही हमारा इंटीरियर जो एंगल है वो हमें मिनिमम मिलेगा। तो आप लोगों को पता है वन साइड वाला पॉलीगॉन हम बना नहीं सकते, टू साइड लेकर भी हम पॉलीगॉन बना नहीं सकते, तो हम थ्री साइड लेकर पॉलीगॉन बना सकते हैं। तो इसमें थ्री साइड है वो हमारी मिनिमम साइड है, इसीलिए हमें इसमें इसमें इंटीरियर एंगल हमें मिनिमम मिलेगा। तो देखो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू, वो कितना मिलेगा, तो वो यहाँ पे हमें मिला 360 अपॉन 3 इक्वल्स टू 120, यानी कि हमें एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है, इसलिए हमने पहले एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा, तो वो हमें एक्सटीरियर एंगल मिला 120। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल के लिए हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल के लिए यहाँ पे देखो वी नो दैट एंड एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज इन अ लीनियर पेयर। आप लोगों को पता है एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ये दोनों जो है वो लीनियर पेयर में होते हैं, हेंस मिनिमम इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 120। आप लोगों को पता है एक्सटीरियर एंगल आपके पास हो तो इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड होता है, तो इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 120 यानी 60। अब फ्रेंड्स जिसमें इंटीरियर एंगल मिनिमम हो इसमें ही एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा, इसलिए हमारा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कौन सा आएगा, 120। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.2 के एग्जाम्पल सारे हमने देख लिए। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या है, तो देखो यहाँ पे हमने फिगर दी हुई है, इसमें हमें क्या देखना है कि वो ट्रेपेजियम हो, तो इसमें फोर साइड वाला हमने क्वाड्रिलेटरल्स सब ड्रॉ किया है, तो इसमें फोर साइड है, इसमें हमें टू साइड पैरेलल मिलनी चाहिए, यानी हमें वन पैर टू साइड यानी वन पैर हमें पैरेलल मिलनी चाहिए। पैरेलल यानी देखो हम ये साइड ले तो इनमें पैरेलल साइड वाली कौन सी बनेगी, तो इनके जो सामने वाली साइड है ये हमें देखनी है, तो ये उनके पैरेलल है तो नहीं है, तो कैसे, तो देखो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस दोनों सेम नहीं है, ये ज्यादा है इससे, तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये दो साइड पैरेलल नहीं है। अब हम ये दो साइड है सामने वाली इनकी बात करें,
तो यहाँ से इनका डिस्टेंस और यहाँ से इनका डिस्टेंस दोनों सेम है, यानी ये दोनों जो है वो पैरेलल साइड है, ये दोनों जो वो है वो पैरेलल साइड है। इसीलिए कोई भी वन पैर पैरेलल हो तो इसको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। वैसे हम ये फिगर की बात करें तो ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, पर ये दोनों साइड पैरेलल है। फिर ये फिगर की बात करें तो इसमें ये दोनों साइड पैरेलल, और हम ये फिगर की बात करें तो ये दोनों साइड पे पैरेलल है। इसीलिए ये जो है ये चारों फिगर है वो ट्रेपेजियम्स है। फिर यहाँ पे लिखा है ट्रेपेजियम्स इज अ क्वाड्रिलेटरल्स विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। वो कोई भी वन पैर हमें पैरेलल मिलेगी, और वन पैर जो साइड की है वो हमें पैरेलल नहीं मिलेगी, यानी कि सामने आमने सामने जो साइड होती है उसमें दो साइड पैरेलल मिलेगी। यहाँ पे देखो ये वाली और ये वाली, ये दो साइड पैरेलल है एक दूसरे के, ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है, और दूसरी दो साइड है वो पैरेलल नहीं होगी। ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, उनको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। अब यहाँ पे दूसरा टाइप है वो है काइट। आप लोगों को काइट के बारे में पता है, तो यहाँ पे मैंने काइट की दो फिगर बनाई है। तो यहाँ पे देखो काइट हैज फोर साइड, काइट में फोर साइड होती है, ये आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रही है। फिर देर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे हमने आमने सामने की पैर पैरेलल बताई थी, पर यहाँ पे कंसेक्यूटिव साइड है, यानी ए बी है, इनकी कंसेक्यूटिव साइड होगी ए डी। ये दोनों साइड है उनकी लेंथ इक्वल होगी, इनकी लेंथ कितनी होगी इक्वल। अब यहाँ पे बी सी है तो इनकी कंसेक्यूटिव साइड होगी सी डी। यहाँ पे इन दोनों की ये दो पैर है वो कंसेक्यूटिव होगी। यहाँ पे ये जो शाइन किया है तो ये पैर और ये पैर उनकी लेंथ इक्वल है, और यहाँ पे ये शाइन किया है यानी ये दोनों की साइड की लेंथ इक्वल है। अब यहाँ पे ये वाली फिगर देखें तो यहाँ पे ये जो साइड है इनके कंसेक्यूटिव पैर, यानी ये वाली साइड तो इन दोनों की लेंथ इक्वल है, और यहाँ पे ये वाली साइड इनकी कंसेक्यूटिव साइड यानी ये वाली पैर, तो यहाँ पे ये दोनों की साइड इक्वल है। तो हमने काइट्स में क्या पढ़ा, द काइट्स हैज फोर साइड्स एंड देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। फिर देखो, फिर यहाँ पे पैरेललोग्राम, ये मोस्ट टाइम भी है, ये आप लोगों को अच्छे से समझना है, इनके एग्जाम्पल हमें सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पे है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यानी यानी आमने सामने की जो भी साइड है वो पैरेलल ही होनी चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है, तो यहाँ पे ए बी, ए बी की सामने वाली साइड यानी कि डी सी, ए बी की सामने वाली डी सी, तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ए डी, ए बी की सामने वाली डी सी यानी ये दोनों हमें पैरेलल मिलेगी, और ए डी है ए डी की सामने वाली साइड, ये ए डी है इनकी सामने वाली साइड बी सी, ये भी हमें पैरेलल ही मिलेगी, यानी इन दोनों की ये दो साइड है, हम जहाँ पे भी देखें इनका डिस्टेंस सेम होगा, यानी ये दोनों पैरेलल है। तो देखो ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल डी सी एंड ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी, यानी हमें यहाँ पे दो पैर पैरेलल मिलनी चाहिए। अपोजिट साइड की, अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल मिलनी चाहिए, यानी ए बी की अपोजिट साइड डी सी वो इनके साथ पैरेलल है, और ए डी की अपोजिट साइड बी सी वो इनके साथ पैरेलल है। अब दूसरे फिगर में भी ऐसा ही दिया है,
तो हमने क्या पढ़ा, तो अ पैरेलल इज अ क्वाड्रिलेटरल व्होज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल व्होज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। अब यहाँ पे दिया है गिव अ पैरेललोग्राम ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड। यहाँ पे हमने फिगर दी है, इसमें देखो ए बी की अपोजिट साइड कौन सी है, तो वो है डी सी जो इनके साथ पैरेलल है, और यहाँ पे ए डी है इनकी अपोजिट साइड है बी सी, ये पैरेलल है वो यहाँ पे लिखा है। अब हम एंगल की बात करें तो एंगल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी सेम है। तो देखो यहाँ पे ए है एंगल ए, इनका अपोजिट एंगल बी है, एंड यहाँ पे ए है तो इनका अपोजिट एंगल सी है, एंड यहाँ पे बी है तो इनका अपोजिट एंगल डी है। तो ये जो जितना भी मेजर ए का होगा, जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल यहाँ पे सी होगा, और यहाँ पे जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल यहाँ पे डी होगा। फिर क्या यहाँ पे लिखा है, तो देखो ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड। यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी सी है, ये दोनों साइड है वो एडजेसेंट साइड है। तो आप लोग बताओ बी सी के साथ एडजेसेंट साइड किसकी होगी, तो वो होगी सी डी एंड ए बी। वैसे सामने पास वाली जो साइड है, पास में जो साइड है वो हमारी एडजेसेंट साइड बनेगी। अब देखो एंगल ए, यहाँ पे एंगल ए है, उनका एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, तो एंगल बी एंड एंगल डी, ये दोनों एंगल है वो इनका एडजेसेंट एंगल होगा। अब एंगल बी है इनका एडजेसेंट एंगल, तो वो एंगल सी और एंगल बी होगा। तो वैसे आप लोग एडजेसेंट एंगल भी फाइंड कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे लिखा है ये जो है वो मोस्ट आईएमपी है, आप लोगों को ये अच्छे से याद रखना है। द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड होती है वो इक्वल लेंथ की ही होती है, यानी यहाँ पे AD है उतनी ही लेंथ BC की होगी, अपोजिट साइड है इसलिए, और यहाँ पे जितनी लेंथ DC की है उतनी ही लेंथ AB की होगी। तो यहाँ पे है द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर। और एंगल में भी ऐसा होता है, अपोजिट एंगल का मेजर इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स कैसे होते हैं, तो डायगोनल्स बनाने तो आपको आते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो डायगोनल बनाए हैं AC और BD। तो देखो और डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट यानी दो पार्ट करते हैं, ये जो AD है डायगोनल वो BD के दो पार्ट इक्वल पार्ट करते हैं, और यहाँ पे BD है वो AC के इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, ये दोनों हमें सेम मिलेंगे। फिर है दिस गिव्स AO, AO इक्वल्स टू OC, ये दोनों की लेंथ AO की लेंथ और OC की लेंथ दोनों सेम होगी, एंड BO की लेंथ एंड OD की लेंथ सेम होगी, यानी ये दो लेंथ सेम होगी और ये दोनों की लेंथ यहाँ पे सेम होगी। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये जो पढ़ा उनके रिलेटेड जो एग्जांपल है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने यहाँ पे इस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया वो आप लोगों को मैथ्स की नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में और फिगर भी अच्छी बना के आप लोगों को लिखना है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।